हाइड्रोजन पता चल जाता है, ठीक उसी तरह न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को सिंबल के द्वारा इंडिकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे इसका चार्ज, क्या के इसके ऊपर कितना चार्ज होता है। सिंबल के बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर एब्सोल्यूट चार्ज कितना का होता है। तो सबको मालूम है न्यूट्रॉन पे क्या होता है, जीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे भी नहीं होता है एब्सोल्यूट चार्ज। नेक्स्ट इसके बाद है कि सर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कौन से चार्ज से लेके बनाना है, क्योंकि एब्सोल्यूट अगर हाइड्रोजन का अगर मास अगर देखोगे तो होगा 1.00009 समथिंग। तो क्या इतना एक्यूरेट लेके बनाना पड़ेगा या हम लोग लमसम में लेके चलेंगे तो काम चल जाएगा। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ रिलेटिव चार्ज। इसके बाद आता है नहीं फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना बेटा, कोई बुक नहीं मिला, एक भी नहीं है। अच्छा चलिए फंडामेंटल पार्टिकल्स है, लिखिए यहाँ पर रिलेटिव चार्ज। के बाद आप लोग यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका मास, वो भी मास कितना में लिखेंगे हम लोग, मास हम लोग सबको मालूम है यूनिट यू से होता है। बेटा उधर ही रखिए, वॉशिंग मशीन पे रख दीजिए। मास के बाद आपका यहाँ पर ये भी काफी पॉइंट में होता है, तो इसको हम लोग अप्रोक्स करके ही हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे अप्रोक्स, लगभग में कितना होगा, ठीक है अप्रोक्स मास, वो भी यूनिट में, यूनिफाइड मास में। और लास्ट आप लोग इसमें जो पढ़िएगा वो पढ़ना है इसका पोजिशन। तो सबको मालूम है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर, और जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के बाहर। तो इसका पोजीशन हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना चीज हम लोग को देखना है, आप लोग सेपरेट भी लिख सकते थे लेकिन हम टेबल में बता दे रहे कंपेयर करके, जल्दी हो जाएगा। जल्दी से इस टेबल को बनाइएगा, एक हम लिख के दिखा रहे हैं। देखोगे यहाँ पर सबसे पहला पार्टिकल का अगर ध्यान में, जब भी कोई बच्चा लोग से पूछिए किसी से तो इलेक्ट्रॉन का नाम लेता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन वर्ड ही निकलता है हम लोग के मुंह से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन बताओ इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होगा, देखोगे सभी को ई लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई लिखते हैं। और अगर लिखना हो तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते, ई इसका यहाँ माइनस वन लिखते हैं, और यहाँ पे याद आ रहा है ये मास को इंडिकेट करता है, ये एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है, ध्यान में आया, पढ़ा चुके हैं टेंथ में भी आप लोग पढ़े होंगे, नाइन्थ में। इसके ऊपर एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है देखोगे, याद करना होगा नेगेटिव चार्ज होता है 1.6022 इंटू 10 पे पावर -19। पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में सबसे छोटा चार्ज इसी को माना जाता है, इससे छोटा चार्ज कोई नहीं होता है। आप लोग फिजिक्स भी पढ़ोगे तो इसमें जरूरत पड़ेगा आप लोग का। तो बोलेंगे सर एब्सोल्यूट चार्ज तो इतना पॉइंट वाला होता है, हम लोग कितना लें, तो आप लोग लगभग मान के चल सकते हो -1। मास इसका कितना होता है, मास होता है 9.10939 इंटू 10 पे पावर -31। ये तुम्हारा क्या हो गया, मास इन केजी हो गया, इसको केजी में कर दो, यहाँ केजी लिख दो। चलो इसको हम लोग मास को क्या करते हैं, केजी में लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। और ग्राम में करना हो तो कितना हो जाए, प्रोटोन हो गया, प्रोटोन को पी से इंडिकेट करते हैं 1p1 प्लस, उसमें इलेक्ट्रॉन पर एब्सोल्यूट चार्ज होता है -1.6022 इंटू 10 पे पावर -19, क्या यहाँ कूलोम लिख लेना। और इसमें होता है क्या प्रोटोन का +1.6022 इंटू 10 पे पावर -19 कूलोम, उसमें होता है रिलेटिव चार्ज -1, चूंकि प्रोटोन है पॉजिटिव चार्ज +1 हम लोग देंगे। इसका मास होता है 1.67262 इंटू 10 पे पावर -27 केजी, जब ग्राम में लिखेंगे तो -24 ग्राम अप्रोक्स मास होता है 1। तो ये थोड़ा सा हम लोग को याद करना पड़ता है क्योंकि मेडिकल का जब एग्जाम दोगे
तो आप लोग को हर हालत में ये सब क्वेश्चन एक दे ही देता है, देता ही देता है। लिख लिए सभी कोई, सुमित लिख लिए, दीपक, हाँ मेडिकल मेडिकल, यही सब क्वेश्चन देगा आपको। ऐसे देता है ना, राइट द मास ऑफ प्रोटोन इन ग्राम। अब उसमें ऑप्शन दे दिया 1.6722 × 10²⁷ ग्राम, 1.6722 × 10²⁴ ग्राम, 9. क्या हुआ, 9.1093939 × 10²⁻³ ग्राम, 9.1093 × 10²⁷ ग्राम, 28 ग्राम। बताओ क्या होगा? ऑप्शन ए, ए बी, ये आया हुआ है क्वेश्चन, क्या बन रहा है? अगर दे दिया कि राइट द मास ऑफ प्रोटोन, तो दे देगा 1.67262, ये एक रेट याद करोगे, और 1.67493 × 10²⁻², देखो कैसे घुमा के क्वेश्चन देता है, समझ नहीं यहाँ पर माइनस आ रहे, समझ में? इसी तरह और भी ऑप्शन रहेगा। अब बताओ प्रोटोन का इसमें से कौन सा मास है? तो प्रोटोन के लिए 262 है, और यहाँ पर न्यूट्रॉन के लिए 493 है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, बाकी सब कुछ वही रहेगा, −27 kg। अंशुप्रिया आप बताओगी इसका ग्राम में क्या हो जाएगा मास? इसका ग्राम में मास क्या होगा इनसाइड द न्यूक्लियस? तैयार रहिए, आज और कल में आप लोग का टेस्ट के लिए आएगा, देखते टेस्ट आप लोग का ले लेते, 10 या 20 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। माइनस माइनस कितना, 24। वेरी गुड, कैसे हुआ था अभी कैलकुलेट करके दिखाया था, रटने की जरूरत नहीं है, 24 क्यों होगा हम बता दिए। तो चलिए ये था आपका पहला पार्ट, मतलब आज का क्लास।